वेलकम बैक गाइस, मैं सौरभ कुमार आपके सामने लेकर आया हूँ न्यू वीडियोस। अभी इससे पहले हमने एक वीडियोस करी थी आरआरबी एनटीपीसी का, जो सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे या कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारी हम एक सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी मेरी, और एक चीज़ और है, लास्ट वीडियोस जो आप देख रहे हैं देखे होगी, उसमें एक सारणी थी 5th क्वेश्चन से पहले। ठीक है, उस सारणी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर एक रफ में आप बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसी सारणी से रिलेटेड, उसी टेबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 2003 में विक्रय होने वाले टाइप आई के वाहनों की संख्या लगभग 2002 में विक्रय होने वाले वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूं इसका आंसर कैसे सॉल्व किया गया। 2002 में जितने वाहन विक्रय हुए हैं, जितने वाहन सेल हुए हैं, उन सबको इसने डाल दिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इन सभी वाहनों को इसने जोड़ दिया है। ठीक है ना, 2002 में जितने भी टाइप 5 तक के जितने भी हैं वाहन, सबको जोड़ के इसने लगा दिया, तो 1013 वाहन हुए। अब इसने क्या किया, 2003 में विक्रय होने वाला ओनली टाइप 1। आप ध्यान से सारणी को देख के करिए, सारणी को भी देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, अब 2003 में जो टाइप 1 के अंदर जो वाहन होगा, टाइप 1 में 81 होंगे, ध्यान से देखिएगा, 81 होंगे। ठीक है ना, तो 2003 में जो टाइप 1 के वाहन हैं वो कितने परसेंट बिके थे टाइप, नहीं 2002 में सभी टाइपों मिलाकर। तो इसने क्या किया, परसेंटेज निकाला, 81 डिवाइडेड बाई 1013 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसने अप्रोक्सली कितना निकाल दिया, 8%, लगभग 8% इसने निकाल दिया। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 8%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टाइप 2 के वाहनों का विक्रय लगभग टाइप 5 के वाहनों का 25% था। ऐसा कौन सा साल था जिसमें टाइप 2 के जितने वाहन बिके हैं वो सब टाइप 5 के वाहन जितने बिके हैं उससे 25% था लगभग। तो आप देखते हैं हम कौन से वर्ष में ज्यादा उस 25% बिके होंगे। अब देखो 2000 में हम अगर चेक करते हैं, इसने जितने दिए हैं ना उन सबको चेक करेंगे। ठीक है, अब 2000 में टाइप 2 में जितने परसेंटेज निकले, कितना था टाइप 2 में, 64 वाहन इसने बेचे थे। ठीक है, सारणी टेबल को जरूर देखिए। ठीक है, अब ये देखिए 64 वाहन, और उसमें टोटल कितने वाहन थे टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक, 340 टोटल। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 18.82% बिके थे। ठीक है, अब अगले देखते हैं, 2001 में जो वाहन इसने बेचे थे टाइप 2 के, 60 वाहन बिके थे। ठीक है, टाइप 2 में डिवाइडेड बाय 336 टोटल वाहन जो थे 2001 में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 17.85% बिका। ठीक है, अब 2002 में अब ये दिया हुआ है एक टाइप 2 का 79, आपने देखा होगा 79। ठीक है, डिवाइडेड बाय 404 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 19.55%। ठीक है, 2003 में जो वाहन बिके थे टाइप 2 के, 93 बिके थे, तो 93/411 है मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 22.63%। ठीक है, ये 5 से कंपेयर कर रहा है, जितने 5 टाइप 5 में जो बिके हैं, नीचे जो लिए हैं ना टाइप 5 के लिए हुए हैं। 2004 में टाइप 2 के जो वाहन बिके हैं वो 112 बिके हैं टाइप 5, मतलब तो 442 से मल्टीप्लाई बाय 100 इसको 25। तो इसका अप्रोक्स बिल्कुल जो सही आंसर आया है ये 25 आया है 2004 वाले में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25% 2004। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 2003 की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि किस प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम थे। अब पिछले वर्ष की तुलना में 2003 में वाहनों की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि बहुत कम थी, कैसे थी ये देखो। टाइप 1 के वाहनों का प्रतिशत निकाला इसने,
81 माइनस 72 बटे 81, ये इसने पूरा निकाला 11%, टाइप टू में 15%, टाइप थ्री में 13%। ठीक है, ऊपर चलते हैं इसका। टाइप फोर में परसेंटेज निकाला इसने वाहनों का 13%, टाइप फाइव में निकाला इसने 2%। तो टाइप टू के वाहनों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि 2003 में जो वाहन बिके हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 13%। ठीक है, 13%। ठीक है, अब ये इसका सही आंसर होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, टाइप टू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2003 में था वो, पिछले वर्ष की तुलना अधिकतम था। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन दिया है विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, स्कैटरिंग यानी कि परकीर्णन, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। क्या है ये? क्वार्टज कांच के बहुत लंबे तथा तो पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतःदर्शी में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हूं हमसे, अक्टूबर 2015 में 90 देशों में 350 से अधिक प्रकाशित हुई युगांतकारी घटना में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या घटना थी? ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र की 17वीं वर्षगांठ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2015 में 17वीं वर्षगांठ मनाया गया, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में हुई। इसमें वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं और अंतिम सदस्य देश दक्षिणी सुडान है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? घन सेंटीमीटर में निकालना है। तो ये हमने बहुत पहले पढ़ा है स्कूल में, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इसको लिखते रहना साथ में, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू त्रिज्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर, वो स्क्वायर में आएगी तो एक ही आएगा उसका आंसर। ठीक है, ऊंचाई दी है एच, एच ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल हमारे पास जो आंसर आएगा 44/7, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 44/7। मैंने जो चीज बोला है इसको आप ध्यान से क्वेश्चन को लिखने जरूर लिखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे, क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।